कह आपको किसने ऑर्डर दिया है यहाँ पर आने का पता भाई बता दो ना उसको बड़े भाई आपको किसने ऑर्डर दिया है यहाँ पर आने का इधर कहीं भाई ना गेट पे भाईजन नहीं अंदर अंदर किसने लगाई आपकी ड्यूटी तो सीनियर सीनियर तू तो जाओ भाई जाने साडा कार तो साडे कार किथे वाडा आयो बसमिल नाज़ी असल आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर नाजीन आज मैं बात करूँगा नेशनल प्रेस क्लब के अलेक्शन 2022-2023 की आपको मालूम है तमाम सहाफ़ियों को मालूम है बल्कि पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया को मालूम है कि नेशनल प्रेस क्लब का कल जो एलेक्शन था दादली ज्यादा अलेक्शन उसको क्यों करार दिया गया क्योंकि कुछ जो जर्नलिस्ट पैनल के सपोर्टर्स हैं उन्होंने यूट्यूब पे प्रोग्राम किए तो मैंने सोचा उसके रिबटल में जवाब देना ज़रूर बनता है क्योंकि वो ऐसे तज़ियाकार हैं कि जो सिर्फ घरों में बैठ के प्रोग्राम करते हैं कल की जो इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन की तो सुबह नौ बजे से ले कर अगले दिन यानी कि छः बजे सुबह मैं वहाँ से आया और जो मेरे सीनियर्स काबिल एहतराम हैं नासिर असलम राजा साहब शमशाद मांगड़ साहब उन्होंने प्रोग्राम तो किए लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम थी कि हकीकत में हुआ क्या है उन्होंने तो वही बोलना था जो उनके पैनल वाले उनको बता रहे थे लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि नेशनल प्रेस क्लब की तारीख का ये स्या दिन था कि जब इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को बुलाया गया इससे कबल अगर मैं बात करूँ तो माजी में जब नेशनल प्रेस क्लब के प्रजिडेंट थे शकील करार तो उनकी जब वो प्रेसिडेंट थे तो सगीर चौधरी साहब जो सबका फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो वहाँ पे उनको पुलिस वाले पकड़ने के लिए आए ये चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं ये झूठ नहीं बोलती और रिकॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन कल का जो सया बाप था स्या दिन था वो भी सुनहरी हरूफों से लिखा जाएगा कि जो नेशनल प्रेस क्लब पर कब्ज़ा माफिया है जो जाली वोटर से जीतते हैं इस पर नासिर असलम राजा साहब ने शमशाद मांगठ साहब ने बहुत सी बातें की लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा शमशाद मांगट साहब ने कहा जी पहलवान तगड़ा नहीं था मांगट साहब आपको क्या मालूम कि जब पोलिंग का वक्त आठ बजे ख़त्म हो जाता है और दो बजे तक गिनती नहीं की जाती और उसकी वजह यही थी कि जो मुखालिफ पैनल है यानी कि जर्नलिस्ट पैनल उनको मालूम पड़ चुका था कि सीटें उनके हाथ से जा रही हैं और आपको यह भी मालूम है अगर तो इलेक्शन शिफाफ होते फेयर होते तो हम नतज तस्लीम करते नतज तस्लिम क्यों नहीं किए गए कि गिनती का जब अमल शुरू हुआ तो जो कमेटी के चेयरमैन थे आसम कदीर राना आपको मालूम है कि आसम कदिर राना भी जर्नलिस्ट पैनल से उम्मीदवार रह चुके हैं और मंतख बारी का हिस्सा भी माजी में रह चुके हैं अब मुझे यह बताएं कि जिस शख्स की जिस सहाफ़ी की रोटियाँ बंद हो रही हों तो वो कैसे सोचेगा कि उसकी रोटियाँ बंद हों मैं बिल्कुल बबांगे दहल बातें करता हूँ कि जो ग्राउंड के ऊपर जो बात हुई है आप तो तजिए कर रहे हैं घरों में बैठ के आपको क्या मालूम कि कल नेशनल प्रेस क्लब में जिस पोलिंग बूथ में मैं था वी हॉल में मेरे सामने मैं क्योंकि डॉन का रिपोर्टर हूँ डॉन के इदारे से एक बंदा वोट कास्ट करने आता है मैं वहां पे प्रोटेस्ट करता हूँ और इतनी देर में जो डॉन टीवी के ब्यूरो चीफ हैं इफ्तार शराइ साहब वो भी आ जाते हैं और वो कहते हैं इलेक्शन कमेटी को कि 2010 से वो डॉन में है और डॉन में इस नाम का को कोई रिपोर्टर रहा ही नहीं लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमेटी क्योंकि जर्नलिस्ट पैनल की कमेटी थी उन्होंने वो वोट कास्ट करवाया इस पर हमने प्रोटेस्ट किया दीकर आपने बात की बेजाज सलीमी साहब की बेजाज सलीमी साहब नो डाउट सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे लिए काबिल एहतराम हैं लेकिन जिन सीनियर जर्नलिस्टों के नाम काटे गए उस हवाले से भी आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल ने इलेक्शन कमेटी को एक एप्लीकेशन दी थी कि एक एडिशनल लिस्ट बनाई जाए उस एडिशनल लिस्ट में जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनके वोट काटे गए थे उनके वोट रेट किए गए उनकी एडिशनल लिस्ट भी अभी भी आप चले जाएं तो प्रेस क्लब के नोटिस बोर्ड पर अवेज़ा हैं। तो खुदा इस तरह जो हमारी सहाफी बरदरी है उनको आप जिक -जैक मत करें जो ग्राउंड रियलिटी है आप उसके ऊपर बात करें आप कहते हैं कि तगड़ा पहलवान नहीं था तो शमशाद मांगट साहब सुबह छह बजे हम लोग वहां से उनतीस जनवरी को सुबह छः बजे हम लोग वहाँ से आए और आठ बजे पोलिंग ख़त्म होती है रात दो बजे तक गिनती नहीं होती और उसके बाद आसम कदीर राना जो जर्नलिस्ट पैनल के हैं उनकी कॉल पे पुलिस आती है और राउल इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब की तारीख में पहली दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब के अंदर घुसती है उनकी निगरानी में काउंटिंग होती है और उससे पहले जो खेल, खेल खेला गया शमशाद मांगट साहब शायद आपको मालूम नहीं है वो खेल ये खेला गया कि आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल से पांच नाम मांगेंगे वो पांच नाम हमने दिए कि हम काउंटिंग में बैठने के लिए तैयार हैं लेकिन उससे पहले आपको मजीद बात बताऊं कि चार पोलिंग स्टेशन थे वहां पे जो वोटों का डिफरेंस आ रहा था एक सौ का डिफरेंस आ रहा था उसके बाद वो डिफरेंस कम होता होता छियानवे लिस्ट छियानवे जो बैलेट पेपर्स हैं उनके ऊपर चला गया जो इलेक्शन कमेटी ने अपने नतज जारी किए हैं उसके ऊपर आप ये देख लें कि जो ओपोजिशन है उसके किसी भी कमेटी के मेंबर के साइन नहीं है तो क्या ये धांधली ज्यादा इलेक्शन नहीं है आप कहते हैं ओपोजिशन सोई रही शमशाद मांगट साहब ओपोजिशन ने जितना एहतजाज किया कि जाली वोटरों को बाहर निकाला जाए तो आपके जो जिनको आप कायद सहाफत कहते हैं अफजल भट्ट साहब वो कभी नहीं चाहेंगे क्योंकि इन्हीं वोटों के ऊपर तो वो जीतते हैं जो जाली वोटर्स हैं कोई छाबे वाला है कोई रेड़ी वाला है और कोई बैटरी फ्रोश है उनके ऊपर वो जीतते हैं वो कैसे उनको लिस्टों से निकाल निकालेंगे और रही बात आप कहते हैं कि हम लोग भाग गए शमशाद मांगट साहब थोड़ी सी आप इसलाह करें खुदारा झूठ मत बोलें आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे लिए काबिल एहतराम हैं लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी को तो ज़रूर देखेंगे आठ बजे पोलिंग खत्म होती है दो बजे तक गिनती नहीं शुरू की जाती और उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं लेकिन आसम कदीर राना जिनकी रोटियां बंद हो रही थी उन्होंने उसी टाइम पुलिस को कॉल की और ये इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि काउंटिंग कौन कर रहा है जो नेशनल जर्नलिस्ट पैनल के उम्मीदवार हैं जिनमें फ़रद तुराबी साहब और इसके अलावा फोजिया कलसुम राना साहेबा भी उस काउंटिंग में मौजूद थी बताएं इससे पहले जितने इलेक्शन हुए क्या किसी उम्मीदवार ने खुद काउंटिंग में बैठकर काउंटिंग की और जो लोग वहाँ पे बैठे गए आप कह रहे हैं आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल बी टीम है तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अफजल भट्ट साहब की जो बी टीम है उसका नाम है नेशनल जर्नलिस्ट पैनल जो काउंटिंग के उस मरले में वहाँ पर मौजूद थे जिनके उम्मीदवार खुद उस काउंटिंग में बैठे हुए थे रही बात कि आप टोटली एक इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुगीर चौधरी साहब वाला वाक़ हुआ था और आपको ये भी बता दूँ कि क्या ये तारीख में नहीं लिखा जाएगा कि नेशनल प्रेस क्लब के इंतबात में पुलिस को अंदर बुलाया गया और इस वजह से बुलाया गया क्योंकि आसम कदीर राना जो इलेक्शन कमेटी के सरबरा बने हुए हैं उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल वाले यहाँ पे हाथापाई करें शीशे तोड़ें ताकि हम ये मासूम बनकर लोगों को बताएं कि देखें जी ये तो दहशत गर्द हैं क्योंकि सहाफ़ी जो कौमी इलेक्शन होते हैं बलद्याती इंतबात होते हैं उनमें धांधली की तो बात करते हैं लेकिन ये अपने घर को साफ नहीं कर सक रहे जो कायदे सहाफत आपके बने हुए अफजल भट्ट साहब उनको चाहिए कि जो भी वोटर लिस्ट है अट्ठाईस सौ उसको आप शिफाफ बनाएं आप देखिए कौन सा किस इदारे में ऐसे ऐसे लोग कल वोट कास्ट करने आए कि जिनका की फील्ड से दूर दूर तक तल्लुक़ नहीं है तो खुदा मेरी आपसे मोदबाना इतमास है कि झूठ मत बोले जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बयान करें ताकि सहाफियों में आपका एक नाम है नो डाउट आप ख़ुद भी बहुत सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और क्राइम रिपोर्टर की दुनिया में आपका नाम है लेकिन आप इस तरह गलत रिपोर्टिंग यूट्यूब के ऊपर बैठ के खुदा रा मत करें पूरा दिन जो होता रहा वो आपको शायद नहीं मालूम लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने वहाँ पर तकरीब बाईस घंटे 20 से 22 घंटे वहाँ पे ड्यूटी दी है किस वजह से ताकि जो सहाफत एक मुकदस पेशा है तो खुदा थोड़ा सा सच जान कर जिए अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़